नारायण साईं जो पिछले 58 दिनों से पुलिस से भागता फिर रहा था, उसको कल उनके कुछ सहयोगियों के साथ दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे पीपली जगह है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पेट्रोल पंप से क्राइम ब्रांच दिल्ली की मदद से पिकअप किया गया है। उनको आज दिन में 2 बजे के आसपास रोहिणी कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। वहाँ से ट्रांजिट रिमांड लेके हमारी टीम उनको सूरत लाएगी। पिछले कई दिनों से इनको खोजने के लिए हमारी पुलिस की तरफ से तमाम कोशिश की जा रही थी, और इस प्रयासों के सिलसिलों में दूसरे राज्यों की पुलिस, कमिश्नरेट्स की पुलिस और कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, उनको पत्र लिखे गए थे, उनसे मदद मांगी गई थी। और इसी संदर्भ में पिछले 1.5 महीने से हमारी एक टीम दिल्ली में थी, क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि ये दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, मोस्टली उनका मूवमेंट उसी एरिया में है। इस वजह से एक टीम को हमने दिल्ली में पोजीशन किया हुआ था, और क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस के साथ उनका संपर्क था। उनके अधिकारियों से बातचीत करके इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती थी, और पिछले 1.5 महीने में कंटिन्यूअसली इसको खोजने की कोशिश की गई। इस ऑपरेशन में अल्टीमेटली जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली थी और उसको डेवलप किया गया था, अल्टीमेटली वो नारायण साईं को पकड़ने में मददगार साबित हुई। नारायण साईं के साथ उनके बॉडीगार्ड कहे जाने वाले हनुमान, जो इस केस में एक्यूज्ड हैं, एक लेडी हैं भाविका, और 2 और उनके नज़दीक के सहयोगी हैं जिनको पिकअप किया गया है। इन सभी लोगों को सूरत ला के उनका इंटरोगेशन किया जाएगा और इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इस पूरे ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस की तरफ से हम लोगों को बहुत ही बढ़िया सहयोग मिला है। पिछले 2 महीनों से दिल्ली पुलिस के साथ हम लोग कंटिन्यूअसली ऑपरेट कर रहे हैं, और दिल्ली पुलिस स्पेशली क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स ने हमारे अधिकारियों की और टीम की पूरी मदद की है। अक्टूबर में भी केस रजिस्टर होने के बाद हमारी टीम वहाँ गई थी, और वहाँ पे उनकी मदद से 2-4 ऑपरेशन और किए थे। हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा हमें सफलता नहीं मिली थी, लेकिन उसके बाद से हमारी टीम वहाँ कंटिन्यूस बेसिस पे थी, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के संपर्क में थी, और उसी सहयोग का ये नतीजा है कि आज नारायण साईं को पकड़ा गया है। आपको कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर, दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने अकेले ने नारायण साईं को पकड़ा, सूरत पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसके बारे में। इस पे मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये पिछले 1.5 महीने के काम का नतीजा है। कोई भी ऐसा ऑपरेशन एक दिन की इन्फॉर्मेशन पे नहीं होता है, ख़ास करके इस तरह के एक्यूज्ड का जो काफ़ी दिनों से भागता फिर रहा है। ये कंटिन्यूअस बेसिस पे जब तक एक दूसरे का सहयोग नहीं होगा, इस तरह का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। उन लोगों ने, दिल्ली पुलिस ने अच्छा काम किया, नो डाउट अबाउट इट। उनकी क्राइम ब्रांच की टीम ने जिस तरह से ऑपरेट किया है, बहुत प्रोफेशनल तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट किया है, और फुल क्रेडिट गोज़ टू देम फॉर दिस ऑपरेशनल। ये भाविका कौन है? भाविका इनके आश्रम का, जो आश्रम है अहमदाबाद में, वहाँ पे संचालिका हैं, और पिछले कई दिनों से वो सर्वेलांस में थी, क्योंकि उन्होंने, वो एक संपर्क थी नारायण का साथ, और उनके जो दूसरे लोग हैं जो उनकी कोर्ट में या कचहरी में मदद कर रहे हैं उनके बीच में, और वो हमारे सर्वेलांस में थी, उनको भी हम काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहे थे। इस मामले में खाली भावना पटेल जो जमुना है उनकी गिरफ्तारी रह गई, वो भी हो जाएगी, पूरी कोशिश हमारी है कि वो भी अरेस्ट हो। तो कितने बजे गिरफ्तारी हुई? ये सुबह अर्ली मॉर्निंग ऑपरेशन, कल किस तरह? आज 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 कल का रात और आज की सुबह अर्ली मॉर्निंग। तो भाग रहे थे कि कहीं व्हीकल में से? इनफैक्ट वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो लुधियाना में किसी गौशाला की इन्फॉर्मेशन थी, वहाँ पे उनको ट्रैक किया गया, तो वहाँ से वो निकल गए थे। उसके बाद उनका कंटिन्यूसली पीछा किया गया। क्राइम ब्रांच दिल्ली की काफ़ी ऑफिसर्स उसमें इन्वॉल्व थे, और काफ़ी रोड ब्लॉक्स उन्होंने लगा रखे थे अप टू दिल्ली। तो फाइनली पीपली के पास उनको इंटरसेप्ट किया गया,
वहाँ भी उन्होंने पेट्रोल पंप में भागने की कोशिश की तो उसको उस वक्त वहाँ पकड़ा गया। सर क्या साथ दो और लोग पकड़े गए हैं, क्या उनके बारे में जानकारी? वो उनके नज़दीक के सहयोगी हैं, वो भी हमारे सर्विलांस में थे। क्या नाम? एक रमेश करके हैं और एक उनके साथ विष्णु, ये दोनों उनके बहुत करीबी सहयोगी हैं और ड्राइवर का काम करते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जिसके आधार पर उनको भी ट्रैक किया जा रहा है। उनको अभी कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, रोहिणी कोर्ट में, और 2 बजे के आसपास, और वहाँ से ट्रांजिट रिमांड लेके फिर सूरत लाएंगे। बाय फ्लाइट आएंगे सर? ये मैं अभी नहीं बता पाऊँगा आपको किस तरह से उनको लाना है, ये चीज़ें जब उनकी रिमांड मिल जाएगी तब हम तय करें। सर कहा जा रहा था नारायण कई तरह भेष बदल रहे, तो अभी जब पकड़े किस भेष में मिले हैं नारायण? वो बेसिकली अपने जो कपड़े थे नॉर्मल जो एक इंसान पहनता वैसे कपड़ों में थे और सिर पे पगड़ी लगाए हुए थे, कोशिश ज़रूर की थी कि सिख के भेष में रहे वो। सर वो दाढ़ी मूछ मुड़ाए था जो? नहीं नहीं, दाढ़ी मूछ नहीं मुड़ाई थी उनकी, दाढ़ी मूछ में थे और पगड़ी पहने हुए थे और सिखों का जो एक परिधान होता है उसमें थे। तो एक उनके जो सेवक ने बताया था वो मिस गाइड करने के लिए था? किस सेवक ने बताया? जब दिल्ली हमारी पुलिस ने रेड करने गई थी। देखिए ऐसा, ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऐसी भी आती हैं जो सटीक नहीं होती है, वेरिफिकेशन के बाद ही पता चलता है, तो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं वेरीफाई करते हैं उसके बाद रिएक्ट करते हैं, तो कई इन्फॉर्मेशन ऐसी आई हैं बीच में जो गलत थी और उस पर हमने वेरिफिकेशन किया फिर छोड़ दिया है। सर साइको जो पकड़ा गया है उस समय सूरत पुलिस का कोई अधिकारी या उस टीम? हमारी टीम वहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे है और थी और अभी भी है, अब वही टीम उनको लेके वापस आई। ऑपरेशन में थी सूरत पुलिस? बिल्कुल थी। सर ये नारायण साहब जो पिपली गांव से पकड़ा गया किसी ने टिप दिया था कि नारायण साहब यहाँ पर है? बेसिकली ह्यूमन इंटेलिजेंस और जो टेक्निकल ट्रैकिंग है उसका नतीजा है, कॉम्बिनेशन का। सर व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिल्ली पुलिस फंक्शनिंग? दे आर वेरी प्रोफेशनल एंड दे आर एक्सीलेंट ऑफिसर्स। हाउ आर वी इन कंपैरिजन फ्रॉम देम? वी आर इक्वली गुड। इक्वली गुड, वेदर वी हैव लर्न फ्रॉम एक्सीलेंट? वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम द अदर्स, द पॉजिटिव पॉइंट्स, द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन अदर पुलिस फोर्सेस, वी कीप ऑन लर्निंग, नोबडी इज परफेक्ट, नोबडी इज स्लैक। या 5 लाख का इनाम अब किसको दिया जाए? अब आप उसके लिए इंतजार करें। सर एक आदमी सामने आया है संतोष नाम का, मैंने नारायण साईं की टीम दी थी आप लोगों को। वो गलत बोल रहे हैं, कोई भी इन्फॉर्मेंट अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करता है, और जो इन्फॉर्मेंट जिसने इन्फॉर्मेशन दी है जिन लोगों ने ये इसको वर्कआउट किया है वो अकॉर्डिंगली एक वेरीफाई करके जो भी इसके लिए कर सकते हैं एलिजिबल है उनको दिया जाएगा। सर ये कह सकते हैं कि भाविका को जिस तरह से आप लोग ट्रैक करते हो, भाविका जो अहमदाबाद संचालन किया उसके माध्यम से ही नारायण तक पहुंचाया जा सका है, ये कह सकते हैं? नहीं, केवल भाविका नहीं है, साथ में ये रमेश हैं, विष्णु हैं, इन सभी को हम लोगों ने ट्रैकिंग में रखा हुआ था। सर इस बीच नारायण मतलब कहीं डायरेक्टली किसी मोबाइल से बात करता था क्या? नहीं। सर अब जब उनको यहाँ पर लाया जाएगा तो जिस तरह जोधपुर में और अहमदाबाद में आसाराम बाबू को वीआईपी ट्रीटमेंट मिली, क्या सूरत पुलिस नारायण सर को वीआईपी ट्रीटमेंट देगी? देखिए ऐसा है कि एक्यूज्ड को जो ट्रीटमेंट कायदे के हिसाब से देना चाहिए वो ट्रीटमेंट मिलेगा, कोई प्रेफरेंशियल या स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट हम लोग नहीं देने वाले हैं। सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखा जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर को भी ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जो एक्यूज्ड होता है उसको जो कायदे के हिसाब से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि नारायण साईं को एक आम आदमी की तरह ही ट्रीट किया जाए? आम क्रिमिनल की तरह, डेफिनेटली। सर पिछले दिनों देखा गया जब भी आसाराम बाबू को जेल से लाया जाता है या तो फिर कोर्ट लाया तो बड़ी संख्या में उनके सेवक या तो भक्त आते हैं, तो सूरत के अंदर किस तरह का इंतजाम किया जाएगा सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए जाएंगे, और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, किसी को ये मौका नहीं दिया जाएगा कि वो कायदे को हाथ में लें, कानून व्यवस्था हम लोग बनाने में पूरी तरह से सतर्क रहेंगे, अगर कोई ऐसी कोशिश करता है कि इस ओकेजन पे कोर्ट में ले जाने लाने के ऊपर कोई पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इसको लेकर इंतजाम कुछ किए गए हैं? वो हमने डिसीजन लिया हुआ है, वो जब आएंगे रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ रखेंगे। सर जब पकड़ा गया तो उसने अपना बेस बदला हुआ था तो उसने नाम अपना कुछ गलत बताया ऐसा कुछ किया?
नहीं नहीं ऐसी कोई कोशिश, वो फिर जब उनको पता चला कि उनका समय पूरा हो चुका है तो ही डिड नॉट रेजिस्ट। उनके पास कोई हथियार या मोबाइल कुछ पता है? नहीं ऐसा कुछ, बाकी मोबाइल वगैरह है वो उनका एनालिसिस होगा। मैंने आपको बताया टेक्निकल सर्वेलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये ऑपरेशन हुआ है और उसकी वजह से ये पकड़े गए हैं। इतने दिनों में कितने राज्यों में हनुमान का मोबाइल ट्रैक किया गया है? हनुमान मोबाइल नहीं यूज कर रहा था, उसके पास जो पहले मोबाइल था उसने बंद कर रखा था। सर कितने राज्यों में ये घुमा होगा अब तक जब से फरियाद दाखिल हो चुकी? तो काफी 3/4 ऑफ द कंट्री ही हैज मस्ट हैव ट्रैवल्ड। कंट्री यस। सर एयरपोर्ट पर लुकआउट नोटिस लगा दी गई, सब जगह अलर्ट कर देंगे तो फिर वो किस तरह जा सकता है? प्राइवेट गाड़ी में, जहाँ पे चेक पोस्ट नहीं है प्राइवेट गाड़ी में। एयर एयर बाई एयर जाने का तो सवाल नहीं है क्योंकि चेक इन वगैरह कराना पड़ता है, बाकी नॉर्मल कोर्स में जैसे फरार होते हैं भागते हैं उसी तरह से। अभी मान सकते हैं कि नेपाल बांग्लादेश और अदर्स? नहीं नहीं नेपाल बांग्लादेश नहीं गया, वो इंडिया में ही। हेलीकॉप्टर वाली बात पूछी जाएगी? आप हम वेरीफाई करेंगे क्योंकि ये मैंने बताया कि इन्फॉर्मेशन कई हमारे पास आती हैं, उसका जब तक वेरिफिकेशन पूरा नहीं होता है तब तक कंफर्म नहीं कह सकते। हेलीकॉप्टर की भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि उन्होंने यूज़ किया है, लेकिन वो कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी तक हमारे वेरीफिकेशन में इसका कन्फर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन वेरीफिकेशन अभी जारी है। अब ये मिल गए हैं तो इनकी पूछताछ में ये सवाल भी कोशिश करेंगे इसका जवाब मिले। हमारा एक टीम एक क्राइम ब्रांच का एक पूरा दस्ता वहाँ पे है पिछले 1.5 महीने से। अभी हमने पकड़े जाने के बाद से यहाँ से DCP को कल रात में रवाना किया है, अर्ली मॉर्निंग वो भी अभी वहाँ पे है, वो लोग उनको लेके वहाँ से आएंगे। अब ये तो हम आएगा पूछताछ होगी उसके बाद पता चलेगा, ये प्रिलिमिनरी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सर क्या दो दिन पहले मथुरा की चेक पोस्ट के कहीं आसपास से बात आई थी, क्या वो नारायण सिंह का कोई इफेक्ट था उसको? देखिए मैंने बताया कई इन्फॉर्मेशन मिली हमें और कई दफ़े हमने हर तरह की कोशिश की पकड़ने की, अपने हिसाब से भी दूसरे पुलिस के सहयोग से भी। तो डेफिनेटली कुछ होगा, तभी वहाँ पुलिस ने बैरिकेडिंग किया था। कई दिन पहले नैनीताल की इन्फॉर्मेशन आई थी, वहाँ भी हम लोगों ने कोशिश की थी। कई दिन पहले गंगानगर की इन्फॉर्मेशन आई थी, तो हर जगह कोशिश की है उनको तलाशने की और अनफॉर्चुनेटली हम लोग सक्सेसफुल नहीं रहे हैं तब। सर नारायण की गिरफ्तारी को लेकर पूरे देश की लोग जनता या पुलिस सूरत पुलिस तरफ देख रही, तो कितनी बड़ी कामयाबी मान रही है सूरत पुलिस अपने आप की? देखिए ये केस हमारे लिए प्रेस्टिजियस केस है, नो डाउट अबाउट इट। तो जो भी इसमें आरोपी हैं उनको पकड़ना हमारे लिए प्राथमिकता है। केवल आरोपी को पकड़ना ही नहीं बल्कि केस के इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट करना और चार्जशीट के बाद प्रोसिक्यूशन करा के कन्विक्शन सिक्योर करना, ये पुलिस की प्राथमिकता होती है। आरोपी को पकड़ना एक इन्वेस्टिगेशन का अंग है, सारी चीज़ें हैं उसमें, इन्वेस्टिगेशन ढंग से हो, सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएं जितने भी पॉसिबल एविडेंसेस हैं। ये केस चूँकि पुराना है इसलिए एविडेंस इस तरह से कलेक्ट करने हैं कि केस मजबूत हो और चार्जशीट हो उसके बाद कन्विक्शन हो, ये हम लोगों की कोशिश रहेगी। अभी आगे आने वाला समय बताएगा कि इसमें हम लोग कितना सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, एविडेंस कलेक्शन हो रहा है, केस काफ़ी मजबूत है और कोर्ट में भी हम सक्सेसफुल रहेंगे। सर नारायण सिंह को जब यहाँ लाया जाएगा तो जो फरियादी पीड़ित है उनको आमने सामने बैठा के ये तो बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे, केस में इंटरोगेशन में जिस तरह से प्रोग्रेस होगी और जिस तरह से चीज़ें बाहर निकल के आएंगी उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आमने सामने करना है या नहीं करना है। सर जिस तरह से अन्य देशों में गया है, जाने के बाद वापस इंडिया आने का इसका क्या तर्क बनता है? अन्य देशों की बात तो मैंने नहीं की, मैंने कहा कंट्री, 3/4 ऑफ द कंट्री मैंने कहा, नॉट रियली। यस व्हाई आर यू आस्किंग रिपीटेडली दिस क्वेश्चन? जो डॉक्यूमेंट मिले हैं उनकी स्क्रूटनी हम लोग कर रहे हैं, उसमें अगर कुछ इस तरह का गुनाह दिखाई देगा तो डेफिनेटली उसमें केसेस रजिस्टर होंगे, या अगर वो पुलिस ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है तो जो भी रेस्पेक्टिव एजेंसीज हैं जैसे इनकम टैक्स है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है,
DRI है, उनको हम लोग हैंड ओवर करेंगे। सर अब तक की जांच में सर कितना उसका साम्राज्य जो है उसमें कितना दो नंबर का कारोबार का पता चला है? अभी मैं नहीं टिप्पणी करूंगा क्योंकि वो आधा काम हुआ है हमारा, स्क्रूटनी में थोड़ा वक्त लगेगा। सर ये अब कितने आरोपी बाकी हैं इस मामले में गिरफ्तार करने में? अभी जमुना को पकड़ना बाकी है। मोनिका भी बाकी है? मोनिका आरोपी नहीं है अभी, FIR नेम्ड अक्यूज नहीं है। लेकिन सर जहाँ जहाँ ये गया है, जिन राज्यों में गया है, जिनके घर पे रहा है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करने की? जिन लोगों ने भागने में छुपाने में मदद की है कायदे के हिसाब से उन सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर ये जहाँ से पकड़ा किसी गाड़ी में था या किसी जगह में बैठा? गाड़ी में था, इको स्पोर्ट गाड़ी है उसमें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।